कल्पांत हीलिंग साधना में एक बार फिर सभी का स्वागत है। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें, आंखें बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें, अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को देखें। ये श्वास अंदर कहां तक जाता है और कहां से वापस लौट कर आता है, ये आपको देखना है। अंदर वाला जाने वाला श्वास आपके अंदर किस बिंदु तक जा रहा है और कहां से वापस लौट रहा है, आपको ये देखना है, जानने की कोशिश करनी है। ये श्वास कहां तक जा रहा है, प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास को, बाहर आने वाले श्वास को आपको महसूस करना है और श्वास की गहराइयों में डूबते जाना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास की गहराइयों में डूबते जाना है, अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, इस श्वास के साथ साथ आपको जिंदा जाना है और जहां तक श्वास जाए वहां तक अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं और फिर जहां से श्वास वापस मुड़े उस मोड़ वाले बिंदु को आपको देखना है और फिर वहां से श्वास के साथ वापस आना है। पूरी गहरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, सहजता के साथ श्वास को महसूस करना है और श्वास के अंतिम बिंदु तक जाना है, उस अंतिम बिंदु को ढूंढना है। क्या आखिर ये जो श्वास अंदर जा रहा है, ये श्वास वापस कहां से आ रहा है, ये आपको ढूंढना है, इसको जानने की कोशिश करनी है, इस श्वास का एहसास आपको करना है। लगातार इस श्वास का एहसास करते रहें, इस श्वास को महसूस करते रहें और गहराइयों में डूबते जाएं। इस श्वास के साथ जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को भी महसूस करते रहें। प्रत्येक आने वाली तरंग का एहसास करते रहें, महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर शीतल जल का झरना गिर रहा है, ठंडा जल, कोई बर्फीला जल आपके सिर के ऊपर गिर रहा है और वह जल आपको शीतल कर रहा है। बर्फ जैसी शीतलता आपके अंदर प्रवेश कर रही है, पूरा शरीर उससे शीतल होता जा रहा है और लगातार इस शीतलता की गहराइयों में डूबते जाना है। लगातार गहराइयों में डूबते जाना है और आनंद की गहराइयों में डूबते जाएं। इस शीतलता से जो आनंद की प्रकट हो रही है, जो आनंद की लहरें जागृत हो रही हैं, जो आनंद की तरंगें जागृत हो रही हैं, उन तरंगों में डूबते जाना है। इसलिए गहराई में डूबते जाएं, लगातार इस शीतलता के साथ गहराई में डूबते जाएं। जो शीतलता का अनुभव हो रहा है,
उस अनुभवों में गहराई में डूबते जाएं, इन अनुभवों के साथ जो आप गहराई में जाते हैं तो जान पाते हैं कि कोई दूसरा दुखों का कारण नहीं है। दुख तो स्वयं के निर्मित हैं, क्षण प्रति क्षण हम इसी की रचना कर रहे हैं। स्वयं ही सुख को दुख को निर्मित कर रहे हैं और पूछते रहते हैं कि दुखों से मुक्ति कैसे हो। एक तरफ तो दुखों को क्रिएट करते जाते हैं और दूसरी तरफ उनसे मुक्ति का कारण तरीका भी ढूंढते जाते हैं। एक तरफ तो समाधि में जाने की भी इच्छा होती है, परमात्मा से मिलने की भी इच्छा होती है और दूसरी तौर उस परमात्मा के पास जब जाना शुरू होते हैं तो डर भी लगता है। ये मन के कार्य हैं, मन डर पैदा करता है, मन दुख पैदा करता है। ये सब जितने भी संसार के डर हैं ये तभी तक हैं जब तक हमने स्वीकार कर रखे हैं। हम स्वयं निर्माता हैं प्रत्येक दुख के, प्रत्येक डर के, और जब हम इनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो मन के निमित्त कोई भी दुख, कोई भी डर हमको डरा नहीं सकता, कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता और हम गहरे आनंद में प्रवेश कर जाते हैं जहां से फिर वापसी नहीं होती, जहां से फिर मन का कार्य खत्म हो जाता है। ऐसे गहरे आनंद में लगातार डूबते जाएं, शीतलता के साथ लगातार गहराई में डूबते जाएं, लेकिन इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। ये हमेशा याद रखना है कि कोई प्रयत्न नहीं करना है। अगर प्रयत्न करेंगे तो मन से जुड़ जाएंगे और मन के निमित्त दुख और डरों से घिर जाएंगे, तो इसलिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। ये भी नहीं सोचना है कि परमात्मा कब मिलेगा, ये भी नहीं सोचना है कि कब हमको क्या दिखेगा, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जहां हम सोचते हैं वहां मन को मौका देते हैं कि वो डर पैदा करे, उसके विपरीत आपके विरोध में कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा कर दे कि आप वहां पहुंच ही ना पाए। क्योंकि मन को पता है अगर आप आगे बढ़ गए, आपकी चेतना जागृत हो गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो जो आपको अपने इशारों पर नचा रहा है उसकी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो कुछ नहीं करने देता, अनेकों डर पैदा करता है, अनेकों बार दुख पैदा कर देता है। आपने देखा होगा कि जब जब आप साधना करने की शुरुआत करते हैं, कोई नियम बनाते हैं कि किस दिन तक मुझे ये कार्य करना है, तो हजारों ऐसे काम पड़ जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उस साधना को छोड़ने के लिए, उस संकल्प को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब भी हम कुछ कार्य को संकल्प करके या निश्चित धारणा करके शुरू करते हैं तो मन को पता चल जाता है कि इनको ये कार्य करना है और ये आगे इस कार्य को कर लिया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मन उसके विपरीत बहुत सारे दुख, बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे डर पैदा कर देगा और फिर आप वापस आ जाते हैं। इसलिए कुछ भी सोच करना जाएं, कुछ भी क्रिएट ना करें, मन को पता ही ना हो कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और अचानक जब आपको वो सब मिल जाता है तो आप का मन कुछ नहीं कर पाता। मन तभी कुछ कर पाता है जब उसको पता हो कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, उसी पे फैसले कर पाता है। और जब मन को पता ही नहीं होगा कि आपको क्या ढूंढना है, क्या पाना है, तो फिर आप गहराई में डूबते जाएंगे, अनंत शांति में डूबते जाएंगे। आपको सिर्फ सहज होना है, दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, अपनी चेतना का साक्षी, अपनी
अंतिक आत्मा का साक्षी, और फिर कुछ भी करना बाकी ना रहे, ना कोई मान्यता, ना कोई संस्कार, ना कोई सुना सुनाई बातें, कि प्रकाश दिखेगा या कोई देवी देवता दिखेंगे, कोई नदी पहाड़ दिखेंगे या कोई जंगल दिखाई देगा, या कोई संत महात्मा दिखेंगे, कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने कोई कल्पना कर ली तो निश्चित है कि मन रुकावटें पैदा कर देगा, तो मन को मौका ही नहीं देना है कि वो कुछ आपके आगे रास्ते में रुके, आपके आगे रुकावटें पैदा करे। इसलिए आपको तो सहज बन जाना है, सरल बन जाना है, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है, और सिर्फ बैठे रहना है बंद आंखों से, और जो शीतलता की लहरें प्रवेश कर रही हैं, उन शीतलता की लहरों को पूरे शरीर में बढ़ते हुए महसूस करना है। पूरी चेतना इन शीतलता की लहरों को दर्शा भाव से, साक्षी भाव से देखने पर लगा देनी है। कुछ नहीं करना है, अनंत गहाई में डूबते जाएं इस ऊर्जा के साथ। लगातार गहाई में डूबते जाएं। अध्यात्म जगत में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई बिंदु नहीं होता कि हम इस बिंदु पर पहुंच कर पूर्ण हो जाएंगे। कोई लक्ष्य भी नहीं होता कि इस लक्ष्य को हम पा लेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे। अंतर की यात्रा अनंत की यात्रा है, इसलिए बिना मान्यताओं के, बिना संस्कारों के, बिना किसी इच्छा के गहराई में डूबते जाएं। बस जो श्वासों की अनुभूति हो रही है, इस श्वासों की अनुभूति को करते जाएं। इन श्वासों के साथ जो अंदर शीतलता का प्रभाव प्रवेश कर रहा है, जो सिर से एनर्जी का झरना गिर रहा है, उस शीतलता के प्रवाह को महसूस करते जाएं। पूरा शरीर शीतलता के प्रवाह से कांपने लगा है, पूरे शरीर में कंपन पैदा हो गया है, अद्भुत कंपन, और ये कंपन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम कहते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं दिया, या हमको कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, तो मन समझ जाता है कि इनको दृश्य देखने हैं या प्रकाश देखना है, और साथ ही साथ वहां पर एक मैं भी जुड़ जाता है कि मुझे करना है, और चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले तो इस मैं को ही खत्म करना है, क्योंकि चेतना विशाल है, किसी एक मैं तक स्थित नहीं है। चेतना तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, पूरे ब्रह्मांड की चेतना शक्ति से कनेक्टेड है। इसलिए बिल्कुल विचलित ना हो, इस मैं को खत्म कर दें। जब मैं खत्म हो जाएगा तो फिर करेगा कौन, कौन देखने वाला है? इसी सत्यता को अंदर जाकर देखें कि कौन देख रहा है, कौन दृष्टा भाव से सब महसूस कर रहा है, कौन साक्षी भाव से सब देख पा रहा है, कौन इस ब्रह्मांड के दर्शन कर पा रहा है, आखिर कौन है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर पा रहा है। लेकिन वहां भी आपको कोई विचार नहीं देना है। अगर विचार दिया तो फिर मन का प्रतिरोध शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ आपको तो साक्षी और सहज बनना है, सरल बन जाना है। इतना सरल, इतना सहज, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं है, और बस एक अनजान रास्ते पर आप बैठे हैं, और लगातार इस रास्ते से आगे चलते जा रहे हैं।
चलते जा रहे हैं इस गहरी शांति में, इस शीतलता की लहरों में, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जाएं, एहसास करते जाएं, जो भी शीतलता का एहसास हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, वो गहराई में डूबते जाएं। जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो भी एक नया दुख क्रिएट कर लेते हैं, कि अगर हमने प्रकाश देखने का लक्ष्य बनाया तो वो भी एक दुख हो जाएगा कि हमें प्रकाश नहीं दिखता। अगर हमने कोई दृश्य देखने का लक्ष्य बनाया तो फिर वो भी एक नया दुख होगा कि हमें दृश्य दिखाई नहीं देते। और बार बार हम यही सोचेंगे, मन आपको वहीं रोक देगा और वहीं अटका देगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिल रहा, सबको दिख रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्या मेरी साधना गलत है, क्या मैं गलत चल रहा हूं, क्या परमात्मा के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ भी रहा हूं या नहीं। तंत ऐसे बहुत सारे विचार मन आपको दे देगा जो आपको रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। तो इसलिए ना तो कोई लक्ष्य बनाएं, ना कोई कल्पना करें, ना कोई अंतिम बिंदु की कल्पना करें कि मुझे इसको पाना है, मुझे इसको देखना है। आप तो सिर्फ सहज रहें, जितना सहज होंगे उतना ही ज्यादा शांत होंगे, उतनी ही तृप्ति होती जाएगी, क्योंकि इच्छाएं बंधन का कारण है, इच्छाएं दुखों का कारण है, चाहे वो फिर भौतिकता की इच्छाएं हों, चाहे फिर अध्यात्म की इच्छा हो। हम भौतिकता की इच्छा को छोड़ना शुरू कर देते हैं जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, भौतिकता के क्रियाकलापों से दूर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जन्मों से यही संस्कार रहे हैं, जन्मों से यही मान्यताएं रही हैं कि अगर परमात्मा को पाना है, अध्यात्म को पाना है, तो फिर हमें भौतिकता को छोड़ना है, और फिर हमें अध्यात्म के लिए इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, अध्यात्म की कल्पनाएं करने लगते हैं, वहां बंधन बांधने लगते हैं, एक बंधन छूटा और दूसरा बंधन तैयार कर लिया, भौतिकता का बंधन खत्म हुआ तो अध्यात्म का बंधन कर लिया, और पूरा जीवन फिर इस बंधन में ही बंधे हुए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं और उलझ कर रह जाते हैं, और फिर वहां पर भी जब वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो खुश होते हैं, और फिर नहीं होती हैं तो दुखी होते हैं। बाहर के संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो अंदर के सुख दुखों से दुखी सुखी होने लगते हैं, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, ना दुख खत्म हुए ना सुख खत्म हुआ। तो अगर सुख और दुखों की अनुभूतियों से आगे जाना है तो किसी भी इच्छा को लेकर नहीं जाना है, जो भी हो एहसास हो उसी में पूर्ण तृप्त हो जाएं, जो भी मिल जाए उसी में पूर्ण तृप्ति, जो है वो पूर्ण है, जो इस पल है वही पूर्ण है, जो कुछ मैं देख रहा हूं वही पूर्ण है, जो कुछ अनुभव हो रहा है वही पूर्ण है, ना इससे आगे कुछ है ना इससे पीछे कुछ था। जो पीछे की अनुभूतियां हैं वो भी भूल जाएं, और जो आगे होने की कल्पना है वो भी भूल जाएं, सिर्फ इस पल, जो इस पल है वही सत्य है, ना इससे आगे कुछ होगा ना इससे पीछे कुछ है, और बस यहीं ठहरते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं। वहां आने वाला पल इसी प्रकार एक नया पल है, वहां आने वाले पल का एहसास एक नया एहसास है, एक नई अनुभूति, और उस हर अनुभूति में आप तृप्त हो जाएं,
पूर्ण तृप्ति, जो हल्की सी भी अगर शांति की झलक आ रही है तो वही पूर्ण तृप्ति है, वही सब कुछ है। अगर हमारे अंदर हल्की सी भी संवेदना का एहसास हो रहा है तो वही पूर्ण है, उसी पूर्णता का आनंद लें। और जब आप उस पूर्णता का आनंद लेंगे, उस क्षण को जीना शुरू कर देंगे, तभी आप अध्यात्म को जान पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे, परमात्मा को जान पाएंगे। तो जब तरंग जागृत हो रही हैं, इन तरंगों का एहसास करें, और जिस भी रूप में हो उस रूप का एहसास करें। कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ जो प्रकट हो उसका एहसास, अनंत गहराई का एहसास, अद्भुत अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, और जो कुछ भी आप सबके साथ घटित हो रहा है वो भी अद्भुत है। अद्भुत घटनाएं रोज घट रही हैं, और इस आधा घंटे में ही आपके अंदर बहुत सारी बदलाव आ गए हैं, और रोजाना बहुत कुछ आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और की कल्पना करके जब आगे बढ़ते हैं तो मन को मौका देते हैं कि वह आपका प्रतिरोध करे, आपके अंदर डर पैदा करे, और फिर आप अपने चेतना को स्वतंत्र नहीं कर पाते, आजाद नहीं कर पाते, और उस स्थिति तक पहुंचने से रुक जाते हैं जो मोक्ष का अनुभव है, जो परमात्मा से एकाकार का अनुभव है, जो आत्म साक्षात्कार का अनुभव है। उस अंतिम अनुभव के लिए समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, पूर्ण तृप्ति के साथ आगे बढ़ो, गहरी तृप्ति, गहरा आनंद, अनंत शांति, अनंत आनंद, और लगातार डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं।
शांत गहरी शांति, अद्भुत शांति, गहरी शांति। और इस शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे श्वासों का एहसास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों का एहसास करेंगे। धीरे धीरे वापसी, इस गहरी शांति से वापसी। और स्वयं को महसूस करें, स्वयं को देखें, स्वयं को देखें कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई है। यह मुस्कुराहट लगातार बढ़ती जाए। देखें, आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं और आप अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं। और धीरे धीरे उस चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है।
और वो मुस्कुराहट बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदल रही है। धीरे धीरे हल्की हल्की खिलखिलाहट, धीरे धीरे हल्की हल्की खिलखिलाहट। आपके आगे के दो दांत भी दिखाई देने लगे हैं, ऐसी खिलखिलाहट, हल्की हल्की खिलखिलाहट। और फिर यह खिलखिलाहट धीरे धीरे खुल कर हंसना है, पूरे आनंद से हंसना है, पूरे जोर से हंसना है और अंदर से हंसना है, पूरी ऊर्जा के साथ हंसना है। पूरी ऊर्जा के साथ हंसें, खिलखिला के हंसें। रावण हंसी, जैसे रावण हंसता था वैसे ही आपको भी हंसना है और खुल कर हंसना है, पूरी ऊर्जा के साथ हंसना है। और इसी से जो ऊर्जा की तरंगे एकदम जागृति की अवस्था में आ रहे हैं उसका एहसास करें, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।